आप देख रहे हैं 30 मिनट, मैं हूं मनीष शर्मा। नेता कर रहे हैं हफ्ता वसूल, बिल्डरों को धमकाया जा रहा है, जनतंत्र का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल, शरद पवार ने लगाया है विपक्ष के नेताओं पर गंभीर आरोप। क्या विपक्ष पैसों की वसूली का काम कर रहा है? क्या बिल्डरों को डराकर उनसे पैसों की वसूली की जा रही है? इससे पहले भी मुंबई में यह सब होता रहा है, लेकिन इस बार शक के घेरे में हैं कुछ नेता, खासकर विपक्ष के। विपक्ष वसूली का काम कर रहा है, बिल्डरों से पैसे वसूले जा रहे हैं, पवार का विपक्षी नेता पर आरोप। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने लगाए हैं, और वो भी भरी सभा में। यूं तो शरद पवार तेज तर्रार और आक्रामक अंदाज में विपक्ष की खबर लेने के लिए कभी नहीं जाने जाते, लेकिन इस बार उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। आपको याद दिला दें कि पिछले सत्र से पहले विपक्ष नेता एकनाथ खड़से ने सरकार पर 50,000 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोप लगाया था। कुछ मंत्री जमीन के गैर कानूनी सौदों में लिप्त हैं। इन नेताओं ने 50,000 करोड़ का जमीन घोटाला किया है। वक्त आने पर इसका पूरा ब्यौरा हम सबूतों के साथ देंगे। सत्र के दौरान या उसके बाद में विपक्षी नेता अपने इस बयान पर कोई सबूत नहीं दे पाए और न ही उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बात की। सत्र से पहले खुद एकनाथ खड़से ने हीरा नंदानी बिल्डर पर आरोप लगाते हुए सरकारी जमीन कौड़ियों के दाम खरीदने का आरोप लगाया था। शरद पवार के हमले के बाद उद्धव ठाकरे ने भी जवाब दिया है और कहा है कि शिवसेना इस तरह की किसी भी वसूली में शामिल नहीं है। संरक्षण मंत्री असताना संरक्षण दलाचे भूखंड विकायला काढणार हे शरद पवार, 285 भूखंडाचं श्रीखंड खाल्ल्याचा आरोप झालेले हे शरद पवार, वांद्रे सरकारी कर्मचाऱ्यांची वसाहत आहे ते विकणारं हेच सरकार आहे, गिरणी कामगारांना देशोधडीला लावून त्यांची जागा बिल्डरांच्या घशात कोणी घातली, मुंबईमध्ये एफएसए वाढून देण्याचं काम कोण करतंय, आणि पूर्णपणे मुंबईमध्ये बिल्डरांचे मायबाप म्हणून जगणारं हे सरकार आणि त्यांचे हे नेते शरद पवार, त्यांनी दुसऱ्यांवरती आरोप करण्याचे भानगड पडू नये। एक जमाना था जब मुंबई के बिल्डरों में अंडरवर्ल्ड की दहशत थी। अंडरवर्ल्ड के भाई का फोन आते ही बड़े बड़े बिल्डर खौफ खा जाते थे, लेकिन अब शरद पवार के आरोपों के बाद ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या अंडरवर्ल्ड की जगह अब नेताओं ने ले ली है। न्यूज डेस्क TV9। तो शरद पवार एक बड़ा सवाल छोड़ गए कि क्या अंडरवर्ल्ड की जगह अब नेताओं ने ले ली है, वो भी विपक्षी नेताओं ने, जिन पर आरोप है कि वो बिल्डर से वसूली करते हैं। इस खास चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ स्टूडियो साउथ से जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर मुनघंटीवार जी, आपका स्वागत है TV9 में। और हमारे साथ मेरे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं राजेश शर्मा बीजेपी से, हमारे साथ दिनकर तावड़े NCP से, और हमारे साथ हैं अशरफ आजमी सपा से। लेकिन पहला सवाल सुधीर मुनघंटीवार जी आपसे कि शरद पवार ने जो भी आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर क्या कहेंगे आप, क्या ये आरोप सही है? जैसे शरद पवार साहब ने आरोप लगाए इसका हमें आश्चर्य है, विपक्ष के नेता पवार साहब के कहने से विधानसभा में प्रश्न नहीं पूछेंगे। वो क्या ये चाहते हैं
कि विपक्ष नेताओं ने क्या प्रश्न पूछना चाहिए, सभागृह में क्या कौन से विषय पे चर्चा करनी चाहिए। ये क्या पवार जी से पूछ के विपक्ष नेता जी बात कहेंगे? और विपक्ष नेता के बारे में मुझे ये बात समझ में नहीं आई, पवार साहब क्या बिल्डरों के वकील हो गए? विपक्ष के नेता खड़से साहब ने कहा था कि हीरा नंदानी को 2000 करोड़ का दंड किया गया है जी। मंत्रालय में उस फाइल में 6 करोड़ दंड क्यों हुआ? क्या ये प्रश्न पूछना गलत है? और ये जब प्रश्न पूछा जाता है तो ये सारे विधानसभा की प्रॉपर्टी हो जाती है जी। जिन्होंने जीवन भर सेटिंग फिटिंग की राजनीति की जी, उनको हर बात में अगर सेटिंग दिखती है तो मुझे लगता है कि ये बड़ा दुर्दैव है। पवार साहब जैसे लोग जिनपे अभी लवासा के बारे में आरोप होने लगा जी, जिनके सुपुत्री पे सिंगापुर की सिटीजनशिप का आरोप होने लगा, जिनको सिर्फ बीपीएल और गरीब आदमी की चिंता की जगह पे आईपीएल की चिंता है जी, जो क्रिकेट अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य समझते हैं, ऐसे लोगों ने विपक्ष नेता ने क्या प्रश्न पूछना चाहिए इसका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने पदाधिकारी नेताओं को यह कहना चाहिए था कि संजय गांधी निराधार अनुदान 10 महीनों से नहीं मिला, आज 58,000 करोड़ का अनाज सड़ रहा है, यह अनाज गरीबों के पेट तक पहुंचाने का काम यह सरकार करेगी, ये कहने के बजाय बिगड़रों की बाजू ली और बिगड़रों पे विपक्ष ने प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ये तो मैं समझता हूं कि ब्रिच ऑफ प्रिविलेज है। बिल्कुल, और इन्हीं सवालों पर हम भी कर रहे हैं चर्चा और यही जानना चाहते हैं कि शरद पवार ने अगर ये बात कही है तो क्यों कही है। दिनकर तावड़े जी, शरद पवार की जो बातें हैं, उन्होंने जो भी कही है बातें, वो किस तहत कही है? कैसे ये कह दिया कि नेता हफ्ता वसूली करते हैं या बिल्डर से पैसे उगाते हैं? उन्होंने ये कहा कल के विस्तारित कार्यकारिणी में कि पहले लोग तो इनकी जो सत्ता थी 1994 के बाद जो सत्ता उनको मिली, 4.5 साल उन्होंने सत्ता की बीजेपी शिवसेना में, तो खुलेआम वो लोग हफ्ता वसूले करते थे। सबको मालूम है, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि शादी करने की, अगर शादी करते हैं तो रात को 2 बजे घंटी बज देती थी। लेकिन अभी ये दो अधिवेशन में विशेषता ये है कि जो प्रश्न पूछे गए, प्रश्न पूछो ना, साहब का ये कहना है पवार साहब का कि कौन से आम आदमी के प्रश्न नहीं पूछे गए कि बंबई में सड़क की हालत क्या है, बंबई में मलेरिया की हालत क्या है, आम आदमी को अगर नागरिक पुरोडा का जो ये मिल रहा है वो बराबर नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। जो आपका ये कहना है कि एनसीपी के सारे नेता जनता के प्रश्न पूछते हैं, बीजेपी वाले नहीं पूछते, ये प्रश्न नहीं पूछे, इनकी बातों से सहमत हैं? मैं आपको ये बता दूं, पवार साहब बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, लेकिन जो लोकशाही पे उन्होंने उंगली उठाया है उनकी तो पार्लियामेंट की सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि हाउस के अंदर बोलना, इसीलिए लोग इलेक्ट करते हैं कि आप वहां पे जाके लोगों की समस्या उठाएंगे, और लोगों की समस्या जब उठा रहे हैं तो वहां पे सभापति कौन है? सभापति तो दिलीप बलते पाटिल ने। हर प्रश्न जब हो रहा है हाउस के अंदर आएगा और उस प्रश्न का निराकरण जवाब के माध्यम से आएगा, ये तो लोकशाही का भाग है। अगर प्रश्न को पकड़ा और प्रश्न को छोड़ दिया तो आप निश्चित तौर पर आरोप कर सकते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं है, नाथाभाऊ खड़से ने पूरे तौर पर जो जो भी प्रश्न है पटल के सामने रखा हुआ है और उसके अंदर। अब पवार साहब का यह कहना कि प्रश्न ही नहीं उठाना चाहिए और अगर उठाया तो पैसे का सेटिंग करते हैं, इसका मैं निषेध करता हूं। आप कुछ भी हाइपोथेटिकल अपने मन की गणित नहीं बता सकते। मैं अगर पूछना चाहूं पवार साहब के कार्यकाल का, हमारे तावड़े जी हमारे मित्र ने कहा 95 to 99 400 एनकाउंटर हुए थे, मुंडे साहब होम मिनिस्टर थे, जो गुंडा एक्सट्रॉशन का तुरंत उड़ा दिया जाता था और उस समय गुंडे मुंबई छोड़ के भाग गए थे। उस समय सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा था तो वो था, और अगर उसके पहले आप पवार साहब का लीजिए तो क्या हालत था, पूरे महाराष्ट्र में तरह तरह मची थी। आज वासवी जी, जो बातें इस वक्त हो रही है, शरद पवार ने जो एक शगुफा छोड़ दिया है कि विपक्षी नेता पैसे उगाही करते, बिल्डर से हफ्ता वसूली करते, देखिए ये बड़ा गंभीर विषय है। एक इतना बड़ा नेता देश का अगर इस तरह का कोई इल्जाम लगा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाइयां या कुछ तत्व जरूर होगा। मसला ये नहीं है कि सभागृह में जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो जनता के हितों में है या नहीं है, जनता के हितों में वो सारे मसले। मैं तो इस बात को तस्लीम करता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो हालत है लॉ एंड ऑर्डर की, महाराष्ट्र में किसान खुदकशी कर रहा है, महाराष्ट्र में बेरोजगारी है, महाराष्ट्र में आज जो लोग हैं वो आम आदमी जो है जो आप दिखा रहे हैं, और ये सारी चीजों से आप ये बताइए कि शरद पवार जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों में आपको सच्चाई दिखती है? देखिए कोई, मैंने फिर कहा कि जब इतना बड़ा नेता देश का इस तरह की बात कर रहा है, इस बात सदन में ये बात कहनी, वो अपने लोगों पर इल्जाम नहीं लगा रहे, वो विपक्ष के नेताओं पर ये इल्जाम लगा रहे। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा
कि अगर इस बात की सच्चाई से इंक्वायरी की जाए तो बड़ी संख्या में लोग इस बात का सबूत सामने आएगा कि जो लोग थोड़ी बहुत ताकत में है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, वो बड़े पैमाने पे इस तरह का काम कर रहे हैं और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं तो ये भी मांग करता हूं, आप देख लीजिए कि दोनों लोग अगर ईमानदारी से इस बात के लिए, शरद पवार साहब ने जो कुछ भी कहा है, अगर सरकार इस बात की निष्पक्ष इंक्वायरी करवाती है तो सत्ता और विपक्ष में बैठे बहुत से लोग बेनकाब होंगे। ये इस बात का सबूत है, आप जो दिखा रहे हैं। सुधीर मनघंटीवार जी, आपने सुना कि एनसीपी और सपा के दोनों नेता ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शरद पवार की बातों में सच्चाई है। एक बड़े नेता अगर ये बात कहते हैं तो कहीं कुछ ऐसा हो रहा है और जनता के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ये पैसे उगाही का मामला है और यहां पर सीधा निशाना बीजेपी पे है। ऐसा है कि मुझे लगता है पवार साहब अभी धृतराष्ट्र की भूमिका में है। विधानसभा में क्या काम होता है उनको शायद पता नहीं है। वहां पे बीपीएल के 2002 के लोगों को कार्ड देने की बात कही गई, लक्ष्य वेदी हुई। वहां पे संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के 10 महीने से अनुदान नहीं दिया गया, उस पर चर्चा हुई। 20,240 गांवों के 50% आने वाली कम आई, उस किसानों को मदद की बात हुई, इस पे भी चर्चा हुई। भार नियमन पे चर्चा हुई, मुंबई के रास्तों पे चर्चा हुई, सारे विषयों पे चर्चा हुई। विधानसभा के अधिवेशन में एक दिन सिर्फ सरकार से यह पूछा गया कि हीरा नंदानी के 2000 करोड़ रुपए आप कौन से आधार पे छोड़ रहे हो, आप आकृति बिल्डर को 100 एकड़ जमीन सारे कानून की धज्जियां उड़ाकर क्यों दे रहे हो। तो मुझे लगता है पवार साहब आकृति बिल्डर के क्या वकील है, क्या हीरा नंदानी बिल्डर के वकील है? ये बिगड़रों की वकीली करने का काम ये बड़े नेताओं ने करना चाहिए। और सरकार केंद्र भी इनकी है, राज्य में इनकी है। अगर विरोधी पार्टी का नेता ही नहीं, इस महाराष्ट्र का कोई भी आदमी अगर गलत काम करता है तो सारी पुलिस यंत्रणा इनके साथ में है, सीआईडी यंत्रणा इनके साथ में है, सीबीआई यंत्रणा इनके साथ में है। क्या ये आरोप और ये गलत काम करने वालों को पकड़ नहीं सकते? ये पता है कि खड़से साहब ये जो कानून की धज्जियां उड़ाने वालों के चेहरे बेनकाब कर रहे हैं, और इनकी अड़चन ऐसी है कि इन्होंने 2000 करोड़ का दंड जब कम किया तो उसमें कुछ तो भी सेटिंग किया। अब शायद ये बिल्डर इन नेताओं से पूछ रहे हैं कि हमारे पैसे वापस करो, नहीं तो विरोधी पार्टी के नेता आरोप कर रहे हैं और हम पे इंक्वायरी भी होगी, हमने तो आपको पैसे दे दिए, 100 एकड़ जमीन आपने दी, हमसे पैसे ले लिए। बिल्कुल। और जब भी ऐसी बातें सामने आती है सुधीर जी, जब भी ऐसी बातें सामने आती है तो जनता एक ही सवाल पूछती, जनता को तो ये लगता है कि चाहे विपक्षी नेता हो या पक्ष में बैठे हुए नेता हो, सब कहीं ना कहीं अपने मकसद पूरे करने के लिए सवाल उठाते हैं। यहां पर एक ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और करेंगे चर्चा की आखिर ये सवाल उठाया क्यों गया, कहां से आया ये सवाल, क्या शरद पवार अपने ऊपर लगे इल्जामों को ढकने के लिए इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष की तरफ सबका ध्यान बढ़ जाए। सोमवार से TV9 पर देखिए 3 नए शोज, कब तक सहे, दोपहर 12:30 बजे, एक ऐसा शो जो आपकी सोसाइटी की दिक्कतों को उजागर करेगा और आपकी आवाज बनेगा। BMC के रावण शाम 5:30 बजे, BMC के भ्रष्ट अधिकारी जो अब तक छुपे बैठे थे, जिन्होंने आपका जीना मुश्किल कर दिया है, अब नहीं बचेंगे। चोर पुलिस मौसेरे भाई रात 11:30 बजे, चोर की चोरी और पुलिस की सीनाजोरी, दोनों की मिली भगत का करेगा भांडाफोड़। देखते रहिए TV9। गड्ढों का शहर मुंबई, छोटे गड्ढे, बड़े गड्ढे, बहुत बड़े गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढों से बचकर कहां जाओगे? हमारे आपके इलाके में उनकी खबर लेने जो है गड्ढों के लिए जिम्मेदार। गड्ढे में मुंबई देखते रहिए सिर्फ TV9 पर। 2827-2728 एक ऐसा नंबर जो आपकी हर समस्या को सरकार तक पहुंचाएगा। BMC काम नहीं कर रही हो, पुलिस आपकी नहीं सुन रही हो, बिल्डर परेशान कर रहा हो या रेलवे की समस्या हो, हम सुनेंगे आपकी बात। हमें फोन करें 2827-2728 पर कभी भी। We'll be right back.
शरद पवार ने जैसे ही ये बात कही कि विपक्षी नेता सवाल पूछते हैं और सवाल के बदले पैसे मिलते हैं या फिर बिल्डर से पैसा उगाही की जाती है, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। चर्चा ये शुरू हो गई कि शरद पवार पर पिछले कुछ दिनों में जो इल्जाम लग रहे हैं, जो उन पर एक पॉलिटिकल प्रेशर है, कहीं उसको हटाने की ये उनकी एक तरकीब तो नहीं है। दिनकर तावड़े जी, शरद पवार काफी महीनों से घिरे हुए किसी न किसी मुद्दे को लेकर, चाहे वो महंगाई हो, सड़ा हुआ अनाज हो, लवासा का मुद्दा जो अभी आया है और आईपीएल का मुद्दा जो पीछे जा चुका है, क्या इन सारे मुद्दों से बचने के लिए एक शगुफा छोड़ दिया पवार जी ने? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आपको फूड सड़ने की बात हुई है उसमें स्पष्ट कहा है पवार साहब ने कल ने जी, 2003 में 19 करोड़ का अनाज सड़ा था, बल्कि 2010 में 6 करोड़ का अनाज सड़ गया। ये ऐसा है कि दो ये साल में हमारे अपने पास 600 लाख टन अनाज अपने पास है, जो हमको जरूरत है 400 लाख टन की जरूरत है, तो 200 लाख टन जो हमारे पास अतिरिक्त जो अनाज है उसको लो, तो हमारे पास स्टोर होना चाहिए, गोडाउन होनी चाहिए। कौन बनाएगा गोडाउन? ये गोडाउन बनाने का काम ये दोनों करते हैं, एक राज्य और सेंट्रल, क्योंकि उसमें के जो सेंट्रल उसके पास जो गेहूं है, चावल है, जो हम लोग भेज रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि अनाज हमारे पास ज्यादा बच गया? बच गया, हमारे पास 400, लेकिन फिर भी गरीबी बहुत है, लोग मर रहे हैं। खैर, हमारा ये इस वक्त मुद्दा ही नहीं है, हम इस चर्चा पे नहीं जाएंगे। उसमें मुद्दा है, क्योंकि आपने ये मुद्दा किया है कि पवार साहब उसके बारे में उनको अनाज सड़ना नहीं, आईपीएल है, लवासा है। आईपीएल के बारे में तो स्पष्ट हो गया है, आईपीएल का मुद्दा ही खत्म हो गया। लवासा का मुद्दा है, लवासा के बारे में कल उन्होंने, पवार साहब ने कहा जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने 350 पेज की एक रिपोर्ट लिखी थी, जब ब्रिटिश के जमाने में जो हिल स्टेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए वो होना, उसके बाद हुआ नहीं। जो ये मामला अभी, वो मामले के ऊपर बात करना भी ठीक नहीं, क्योंकि वो मामला कोर्ट में है, तो मैं वो मामले के ऊपर चर्चा नहीं करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से बचने के लिए शरद पवार ने, बचने का कोई सवाल ही नहीं। पवार साहब गए एक साल नहीं, गए 2-3 साल में से बार बार। पहले ऐसा जमाना था जब वो अगर महंगाई होती थी तो अर्थमंत्री उनके ऊपर जवाब देते थे सभागृह में, लोकसभा में, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई है पवार साहब कृषि मंत्री है, वो महंगाई के बारे में जो लोगों को उत्तर देते हैं। तो पवार साहब एक बहुत ही कैपेबल नेता है, एक मास लीडर है उनके बारे में, क्योंकि वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अक्सर वो भविष्यवाणी भी कर देते हैं कब क्या महंगा होने वाला है। तो सुधीर मुनगंटीवार जी, अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि यहां पर हम जब चर्चा कर रहे हैं हम आपसे जानना चाहते हैं, आप बीजेपी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी रणनीति क्या होगी जब इतना बड़ा इल्जाम आपके सर पर लगा है? नहीं, ये एग्जाम बेबुनियाद है। पवार साहब पे कौन विश्वास करता है? क्या कांग्रेस के नेता विश्वास करते हैं? पवार साहब पे कोई विश्वास नहीं करता है। पवार साहब अपने लवासा के प्रकरण को दबाना चाहते हैं, उन्हें तो आईपीएल की चिंता है। आईपीएल में और क्रिकेट मैच में वहां पे कुछ चीयर्स गर्ल को नचाने का काम करना, यही आज की आम आदमी की सेवा की भावना उनके दिल में रही है। पवार साहब के बारे में कोई विश्वास कोई करता नहीं है, मगर इसके बाद भी सभागृह में जो अधिकार जनतांत्रिक माध्यम से हमको मिले हैं, इस बारे में इस विषय को लेकर सभागृह में हक्कभंग होगा, सभागृह में इस विषय को लेकर चर्चा होगी कि क्या हम हीरानंदानी बिल्डर के कानून की धज्जियां उड़ाने के बाद प्रश्न नहीं पूछे? हम आकृति बिल्डर जो कानून को अपने पैरों के नीचे कुचलना चाहता है उसके बारे में हम प्रश्न नहीं पूछे? लवासा शहर में आदिवासियों का शोषण किया गया उस पर विरोधी पार्टी प्रश्न ना पूछे? जी बिल्कुल, ऐसे और भी काफी प्रश्न हैं जो हम भी पूछना चाहते हैं, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे और फिर बात करेंगे कि आखिर ये सब कुछ शुरू क्यों हो गया है, कहां से ये बात आई कि विपक्षी पार्टी के नेता अब पैसे उगाही करते हैं सवाल पूछने के नाम पर। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। लोकतंत्र मतलब शाखा नाव,
टीवी 9 की जब भिंडी घूमती है तो अच्छे अच्छे भागते। अब शाखा 9 पूरी मुंबई में, आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपकी बस्ती में। टीवी 9 की शाखाएं किंग सर्किल और अंधेरी में खुली। अगर आप भी अपने इलाके में टीवी 9 की शाखा खोलना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 2827-2728 पर। अपनी समस्याओं को अब आप सुलझाएंगे। बड़ी भी तकलीफ हो तो आपका कंप्लेंट बॉक्स में कुछ लेके आइए, यहाँ पे आपकी पूरी सुनवाई होगी। शाखा 9 आप चलाएंगे। आप इतने दोस्तों से इतनी तकलीफें उठा रहे हैं, ये टीवी 9 की शाखा ही है, आप तक किसी ने हमारी कोई मदद नहीं। टीवी 9 शाखा, आपकी शाखा सगली कड़े आहे। बिल्डिंग गिरी, लोग मर गए, परिवार उजड़ गए, को 10-10 हजार रुपया दिया गया और लोग फैमिलीज पैसे लेके चली भी गई है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जिम्मेदार वहाँ के खुद लोग हैं। म्युनिसिपैलिटी ने कहा था इसको खाली करो, लोगों ने उसको खाली करने से इनकार कर, क्योंकि इन लोगों को अगर हम लोग चुन के देते और वो अगर नाकाम हो जाते उनके लोगों को सेवा करने में तो हम ही जिम्मेदार है। टीवी 9 जनता की आवाज, जनता के साथ। नेता और हफ्ता वसूले, एक नया हमें शगुफा सुनने को मिला है कुछ दिन पहले, जब से शरद पवार ने यह कहा कि विपक्षी नेता सवाल पूछने के लिए पैसे लेते हैं। अशोक आजमी जी, हाय नाम है, आप ये बात मानते हैं कि ऐसा होता है? हो सकता है ऐसा, हो सकता है कि होता है, होता होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे एक मिनट उसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, सभागृह में कोई सवाल पूछना वो एक अलग प्रश्न है कि सवाल पूछा, सवाल पूछने के लिए हमने ये क्वेश्चन किया, लेकिन उसके बाद उसके सवाल के जो जवाब आए या उसके पीछे जो इंक्वायरियां हो लगानी चाहिए, उसका फॉलोअप हुआ, वो फॉलोअप हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी राजेश शर्मा जी, आप इन बातों से सहमत हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं कि प्रश्न पूछने के लिए पैसा लेते हैं और प्रश्न पे चर्चा न करने के लिए पैसा लेते हैं, बिल्कुल नहीं। ये जो मैंने सारे प्रकरण है शरद पवार जी का जो फेलियर है और जो उनको प्रॉब्लम आ रहा है लवासा से लेकर बारामती में जिब्रिया मल्ल्या जी के साथ, समय मेरे पास बहुत, बहुत कम है। विनोद है, मैं बोलता हूं कि विपक्ष फेल है। विपक्ष प्रश्न पूछते हैं, सोमवार को प्रश्नावली आती है और मंगलवार को प्रश्न मंगलवार को गायब हो जाता है, सेटिंग हो जाती है। ये ऐसा नहीं हुआ, पवार साहब 4 बार मुख्यमंत्री थे, ऐसा कभी मामला कहला आरोप नहीं किया था पवार साहब ने। ये बार हमला क्यों किया पवार साहब ने? अरे पवार साहब को मालूम था कि जो आम आदमी के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। हम चलते हैं सुधीर मनगंडीवार जी, सुना आपने कि यहाँ पर आपसे आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या जिन सवालों को सदन में उठाया जाता है उसके लिए पैसे लिए जाते हैं, ये एक इल्जाम लगा है, उन सवालों का फॉलोअप नहीं होता, ये भी इल्जाम लगा रहे हैं एनसीपी वाले, आप क्या कहें? को संसदीय कामकाज का अनुभव दिखता नहीं है। प्रश्न सोमवार को पूछा जाता मंगलवार को गायब नहीं हो सकता। संविधान में अभी प्रावधान है कि प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पीछे रह नहीं सकता। प्रश्न पूछने के बाद वो सभागृह की प्रॉपर्टी होती है। प्रश्न पूछने वाला आए नहीं आए, पूछे नहीं पूछे, कोई भी सदस्य वो प्रश्न पूछ सकता है। ये अज्ञान की बातें हैं। पवार साहब को बचाने के लिए अगर आप अज्ञान की बात करोगे तो मुझे लगता है ये जनतंत्र की हत्या की बात होगी। प्रश्न पूछने के बाद वो चाहे पूछने वाला उपस्थित रहे ना रहे, संविधान ऐसा है, कानून ऐसा है कि कोई भी सदस्य वो प्रश्न पूछ सकता है। जो प्रश्न पीछे लेने का सवाल कहां था? प्रश्न पूछने के बाद ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हीरा नंदानी की अगर बात है तो इसमें सच क्या है? 2000 करोड़ का दंड कम किया क्या सरकार ने? आकृति बिल्डर जिसको 100 एकड़ जमीन सारे कानून की धज्जियां उड़ाकर दी क्या? इसका जवाब शरद पवार जी नहीं दे रहे और इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के झगड़े चल रहे कि शिवडी नावा का 8000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एमएमआरडीए से करेंगे तो प्रफुल्ल पटेल को भेजा जा रहा है कि 8000 करोड़ का प्रोजेक्ट ये राष्ट्रवादी पार्टी के मंत्री के हाथों से हो, क्यों हो? इसमें शंका नहीं आती जनता को? 8000 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर मुख्यमंत्री एमएमआरडीए के माध्यम से करना चाहती है तो ये क्या पवार साहब का क्या काम है? ये जी बिल्कुल, यहाँ पर शरद पवार
साहब ने जो एक सवाल छोड़ा था उस सवाल के जवाब में हमें अनेक उसके उत्तर मिले हैं। हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया है, मेरे सभी मेहमानों ने अपनी अपनी राय रखी है, लेकिन सवाल अब भी कायम है क्योंकि ये सवाल अब और गूंजेगा और जनता इसका जवाब मांगेगी सारे नेताओं से कि क्या ये सच है या गलत है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए TV9। लोगों की जाति नहीं जाती तो गांव में पानी नहीं आता।